गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमिक्सी मैं हूं आयुषी और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूं। आज का वीडियो जो है ना बहुत ही नया है सो जस्ट स्टिक टू द एंड बिकॉज़ आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आपको अगर मेकअप एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। तो चलिए गाइस जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि दिस वीडियो इज अबाउट ज्वेलरी। ओके सो गाइस मैंने ना बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्डर करी Amazon से। मुझे बहुत दिनों से मन था कि आई शुड बाय समथिंग, आई शुड बाय दीज ज्वेलरीज। सो आई जस्ट बॉट दीज, बहुत सारी ज्वेलरीज मैंने ऑर्डर करी है, सम विद सम आई एम सैटिस्फाइड विद सम आई एम नॉट। ये सारी ज्वेलरीज बहुत ट्रेंडिंग है सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ओके गाइस सो द फर्स्ट सेट ऑफ ज्वेलरी दैट आई हैव विद मी इज दिस ब्यूटिफुल मिनीसो ज्वेलरी। ओके सो ये जो इयर रिंग्स है ना बहुत अलग है। एक्चुअली मैंने दूसरा पेयर ऑर्डर किया था बट दे गेव मी दिस वन, मे बी द वन आई ऑर्डर वॉज आउट ऑफ स्टॉक दैट्स व्हाई दे सेंट मी दिस वन। आई रियली लाइक दिस, मुझे मतलब मेरा मैं रिटर्न नहीं करूंगी बिकॉज आई लव इट। एंड इसका जो प्राइस है आई ऑर्डर्ड आई पेड एक्चुअली 180-160 बिकॉज मैंने वही ऑर्डर किया था दैट वॉज फॉर 180-160 बट उन्होंने मुझे 250 की ज्वेलरी सेंड कर दी। इट्स नॉट अबाउट मनी बट इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। इसका मुझे बेसिकली लुक वगैरह काफी अच्छा लगा एंड इट इज लुकिंग सुपर गुड गाइस, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी दैट्स व्हाई आई आई एम गोइंग टू कीप दिस। सो आई ट्राई कि मैं इन्हें वेयर करके भी आपको शो कर पाऊँ। सो गाइज ये तो रही इस वाले पेयर की बात, काफी सुंदर पेयर है, आप इसे कैजुअली कैरी कर सकते हो एंड समटाइम्स अगर आपके पास यू नो थोड़े सूट है तो यू कैन ऑल्सो कैरी इन दैट। थोड़ा व्हाइटिश आपको अगर चाहिए ज्वेलरी सो डेफिनेटली गो फॉर दिस, बहुत ही अच्छा है। दिस रिटेल्स फॉर 250 बट आई गॉट इट फॉर 180 क्योंकि मैंने कुछ और ऑर्डर किया था एंड आई गॉट दिस बट आई एम हैप्पी विद इट। ओके आई एम सुपर हैप्पी। सेकेंड पेयर ऑफ ज्वेलरी इज अगेन फ्रॉम मिनीसो, बहुत ही प्यारा है ये भी, काफी अच्छा सेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। लुक एट इट यार, कितना मॉडर्न लुक है एंड यू कैन जस्ट कैजुअली वेयर इट ऑन जीन्स, आप इस जीन्स में कैरी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कैरी इट इन अ सूट, मतलब आपको ये आपको कलर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी बट इट्स सुपर गुड, जस्ट लुक एट दिस। गाइज मुझे इसके साथ बस एक प्रॉब्लम ये आई कि ये जो भी सेंड कर रहे हैं ना, लाइक मेरे साथ अभी ये थर्ड पीस हो गया जिसके साथ ये हुआ, लाइक ये जो है ना ये पूरा टिल्टेड आता है, मतलब द पैकेजिंग इज नॉट एट ऑल गुड। वो बस ऐसे ही सेंड कर देते हैं लाइक रिगार्डलेस ऑफ किस तरह से ये रहेगा, बहुत ही मिसहैंडलिंग होती है पैकेजेस की दैट आई नो। सो वो खराब हो जाता है एंड आई लाइक टू कीप माई ज्वेलरी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेयर देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो एक सेट है जो मैंने काफी टाइम पहले ऑर्डर किया था बिफोर आई इवन प्लान्ड दिस, मुझे ना एक्चुअली ये बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस। दिस इज फ्रॉम ज्वेल्स गैलेक्सी, बहुत ज्यादा फेमस है आपको पता ही होगा। अब ये वाले जो दो है ना ये हार्ट शेप के और इसके ऊपर मैंने नेल पेंट लगा दिया है, गिवन दैट ये पूरा खराब हो चुका था। मैंने जस्ट एक बार पहना, जस्ट एक बार आई रिमूव्ड इट आफ्टर लाइक 7-8 hours ऑफ वेयरिंग, पूरे दिन पहनने के बाद मैंने रिमूव किया एंड पूरा इट्स शाइन जस्ट वेंट अवे, तो मुझे काफी दुख हुआ बट ठीक है। फिर ये वाले जो हुप्स हैं ये काफी अच्छे लग रहे थे बिकॉज ये बहुत ट्रेंड में है बट अगेन इसका जो शाइन है ना दैट इज गॉन। खैर वो मेरी गलती से हुआ है बिकॉज मैंने इसे यू नो गलत तरीके से रख दिया था स्पेशली इस वाले को, बाकी ये वाले खराब नहीं हुआ बिकॉज दे वर केप्ट इन अ सेफ स्पेस। तो आप देख सकते हो क्वालिटी इज गुड बट ये वाला मेरे कारण खराब हुआ, इट वॉज माई मिस्टेक बट दिस वन द फर्स्ट वन वॉज नॉट माई मिस्टेक बट एनी वेज लाइफ हैपेंस। ओके गाइस सो दिस इज अनदर सेट फ्रॉम मिनीसो, मुझे ना मिनीसो की ज्वेलरी बहुत पसंद आई एंड दिस of good quality. Quality is also very good. तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एंड ये कुछ फेड वेड नहीं हुई है, मैंने काफी रफली भी इसे रखा हुआ था। सो एक्चुअली क्या होता है व्हेन आई बाय थिंग्स आई कीप देम इन क्वारंटाइन, तो कई बार चीजें खुली रह जाती हैं या फिर कहीं नेग्लेक्टेड जगह पे रखी रहती हैं, सो इट हैपेंस दैट्स व्हाई। ओके तो मुझे ना ये काफी अच्छी लगी, अगेन प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, काफी ज्यादा अच्छी है। आज की ज्वेलरी जितनी भी है गाइस सभी अफोर्डेबल है। ओके गाइस सो नेक्स्ट पीस आई हैव विद मी इज दिस वन फ्रॉम यू बेला। ओके काफी क्यूट है, बहुत सुंदर है बट इसका अगेन एक ही वेयर में पूरा पॉलिश निकल गया। ओके इसे तो मैंने काफी अच्छे से भी रखा था, आई हैव लाइक अ बॉक्स लाइक दिस जिसमें ना आई कीप ऑल द स्टफ, ये मुझे ज्वेल्स गैलेक्सी के साथ मिला था। ये जो है ना व्हेन यू कीप एंड स्टोर लाइक बॉक्स लाइक दिस तो इससे ज्वेलरी खराब नहीं होती है। सो आई रियली लाइक दिस कि ज्वेल्स गैलेक्सी के सारे ही जो इयररिंग्स होते हैं सारे ज्वेलरी जो होती है वो इस तरह के पैकेट में आती है एंड काफी सेफ रहती है। सो आई डोंट लाइक दिस अबाउट यू बेला, आई मीन काफी इस टाइप का था एंड मैंने इससे हटाकर आई केप्ट इट इन दैट, फिर भी ये पूरी वो हो गई, पूरा फेड हो गया। सो इट्स लाइक माई बैड बट आई वॉन्टेड दिस सो बैडली बट ठीक है अब खराब हो गया क्या करें राइट।
सो द नेक्स्ट वन आई हैव ओके दिस इज फ्रॉम जूस गैलेक्सी एक्चुअली कि इसके पूरे ये निकल चुके हैं व्हाट हैपेंड वाज इसका पूरा का पूरा जो हुप रहता है वो पूरा निकल चुका है सो आई कांट शो यू प्रॉपरली बट या आई मीन यू गेट एन आइडिया ये कुछ इस तरह से आएगी ओके एक लंबा रहेगा एंड लेट मी शो इट सच अ मेस आई एक्चुअली एक्सचेंज्ड इट क्योंकि ये पूरा ऐसे ही आया था सो गड़बड़ कुछ नहीं है आई कैन फिक्स इट बट द थिंग इज आई डोंट हैव टाइम टू फिक्स इट सो आई वॉज लाइक ओके सो ये कुछ इस तरह से रहेगा कुछ इसका इस तरह का लॉक है काफी अच्छा है क्वालिटी इज सुपर गुड आई लाइक इट बट वो कुछ ट्रांजिट वगैरह में टूट जाता है एंड दिस इज द हार्ट दैट केम विद इट सो आई एम गोइंग टू एक्सचेंज एंड गेट अनदर वन बाकी आई कैन फिक्स इट इट्स इजी टू फिक्स बट या अगेन ओके सो वन अनदर नेक पीस दैट आई हैव फ्रॉम यू बेला यू नो आई सेड आई डोंट लाइक यू बेला सो ये कुछ इस तरह का नेक पीस है काफी क्यूट सा है काफी ट्रेंडिंग है बट नॉट फॉर फॉर प्राइस इतना मैंने पे किया आई थिंक आई पेड 200-ish आई डोंट नो समथिंग ओके सो जस्ट लुक एट इट दिस इज जस्ट अ चेन एंड उसमें बटरफ्लाइज लगी है वो भी बीच का हुआ टूटा है सो यू बेला के इयररिंग्स एंड यू नो ऑल दैट स्टफ आई डिडंट लाइक इट इयररिंग्स का तो नहीं कह सकती बट जितने भी नेक पीस मैंने यू बेला के ऑर्डर करे हैं मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है सो लेट इट बी अभी उसके लिए क्या करें देन अगेन अनदर इयररिंग दैट आई हैव विद मी इज दिस ब्यूटिफुल जूस गैलेक्सी अगेन आई जस्ट लव दिस काफी अच्छे लगते हैं पहनने में काफी कूल लगते हैं यू नो आप इसे ट्रेडिशनल्स के साथ भी कैरी कर सकते हो बट आप इसे ज्यादा अगर कैजुअल में कैरी करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा यू नो इफ यू आर वेयरिंग अ सिंपल शर्ट और सिंपल टॉप जस्ट एड दिस इट्स गोइंग टू जैज़ अप योर होल लुक ओके सो द लास्ट वन फ्रॉम जूस नो दिस इज सेकेंड लास्ट सो द सेकेंड लास्ट आई हैव फ्रॉम जूस गैलेक्सी इज दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इयररिंग्स ये भी काफी ट्रेंड में है काफी अच्छे लग रहे थे तो आई थॉट व्हाई नॉट इसमें इतना सुंदर काम है आई मीन I just love it. It's so affordable plus, you know, trendy. So the last piece that I have with me is this beautiful one. बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये काफी टाइम से मेरी आईज थी इस पे तो मैंने सोचा लेट्स गो फॉर दिस इट्स अमेजिंग सो जस्ट लुक एट दिस गाइस आई जस्ट लव इट मतलब ये ना काफी ट्रेंडी लुक दे रहा है काफी अच्छा लग रहा है एंड आप इसे मॉडर्न भी बना सकते हो इफ यू वेयर इट विद अ टॉप जस्ट यू नो अगर मैं इसके साथ भी कैरी करूंगी तो इट विल लुक गुड because color aisa hai but yeah not with the necklace of course necklace remove karke then it will look good okay guys I hope ye video aapko acha laga ho agar ye video aapko thoda sa bhi acha laga ho to please like kar dijiyega share it with your friends and family and subscribe to my channel glamexu kyunki guys is tarah ka video bahut sare maine aapke liye plan karke rakhe hain so aap koi bhi miss out na karo isliye aapko bolti hu subscribe kar do yaar to chaliye milte hain next video mein guys take care have a very nice day